सर लाश 24 घंटे से ज़्यादा पुरानी नहीं है और हमारे अहलकारों ने बताया कि लाश इन अलमारी से मिली। बज़ाहिर खातून की मौत तशद्दुद से हुई। जी सर, सर पर लोहे की राड मारी गई है। ये खातून है कौन? लाइटर। समझ में नहीं आ रहा है कि खातून कौन हो सकती है। सर ये खातून इसी घर में रिहाइज पज़ीर थी। इनका नाम तहमीना है और मुमकिन तौर पे अगवाकारों की एक रुकन थी। अलमारी से 3 शनाख्ती कार्ड बरामद हुए, उनमें से एक कार्ड इन खातून का है। इसका मतलब है कि जिन 3 अगवाकारों की तलाश में हम लोग, उनमें से एक कत्ल हो गए। मे बी सर। ठीक है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाओ और मज़ीद डिटेल्स हासिल करो। यस सर। यस सर, थैंक यू। सीन है? सीन तो ऑन है, तुम बताओ। अरे तो आओ बैठो। हाँ, देर किस बात की, आओ। यार एक मसला है, अब मेरे पास जगह नहीं है। जगह बनानी पड़ती है जानू। अच्छा। हाँ। पहले मैं पैसे लूंगी। अरे तो पैसे दूंगा ना मैं तेरे को, इतनी जल्दी काहे की है? दूंगा नहीं, दो पैसे के बगैर काम नहीं करती मैं। अरे यार देख, अब लेके जा रहा हूँ तो पैसे तो दूंगा ही ना। है हाँ छोड़, तुम जैसे लड़कों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ जो मुफ्त के सारे मजे लेते हैं। अरे रुको तो, जा रही मैं। सुनो मेरी बात, तेरी तो ऐसी की तैसी। क्या हो रहा है भाई, कौन है ये लड़की? अरे कुछ नहीं सर जी, आपने तो ऐसे पिस्तौल तान लिया जैसे मैं कोई दहशतगर्द। अब तू थाने चल, क्या चक्कर हो रहा है ये? मेरी जानने वाली थी, आप बिला वजह गलत समझ रहे हैं। अब जो कुछ भी कहना है ना वो थाने चल कर कहना। सर जी आप मेरी बात तो सुनिए ना, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, ना ही मैंने कुछ गलत किया है। इस किस्म के गीत संगीत जो है ना हम रोज सुनते रहते हैं। ओएस मैं इसको थाने लेके जा रहा हूँ, तू जो है ना बाइक पर लड़की का पीछा कर। ओएस जल्दी से आ जाओ, गाड़ी स्टार्ट कर, पीछा करते हैं गाड़ी का, आ जाओ। लगता है सर इसको क्यों मारा गया? हो सकता है कि तवान की रकम पर झगड़ा हुआ हो, या फिर ज्यादा हिस्से के लालच में पार्टनर कम करना हो इसलिए मारा है। तो सर मरकजी मुल्ज़िम जो है वो क्या लड़की को भी कत्ल कर देगा? शिदा मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर 3 अगवाकार थे और 2 ने मिलकर 1 को मारा है तो वो जाते हुए बच्चे को क्यों नहीं लेकर गए? सर हो सकता है बच्चा उनकी गिरफ्त से निकल के छुप गया हो। शिदा तुम एक काम करो, बच्चे की गुमशुदगी का इश्तिहार बनवाओ और अखबार छपवाओ। यस सर। शिदा ये बच्चा किसका है इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। यस सर।
हेलो सर, मुझे मामला कुछ मशकूक लग रहा है। मुझे एक कमरे से जनाना कमीज का टुकड़ा मिला है और जिसने भी कत्ल किया उसने घर की सफाई कर दी ताकि कोई सबूत ना रहे। जी जी, मुझे खून का भी कुछ सैंपल मिले हैं जिसे लेबॉरेटरी भिजवाना पड़ेगा। एक सेकंड, फिर कॉल आ रही है। एक सेकंड। हेलो, व्हाट? ओके, मैं अभी आ रही हूँ। अरशद बेग, दूसरा अगवाकार, भी मारा गया सर। पर घर से दूर 20 किलोमीटर इस सुनसान जगह पर लटकाने का क्या मकसद हो सकता है सर? अभी ये मालूम नहीं है कि इसे यहाँ मारा गया है या कहीं और। और अगर घर पर मारा गया तो यहाँ दरख्त से लाश लटकाने का मतलब ये है कि कातिल के इससे कोई दुश्मनी थी। सुनसान जगह है, रास्ता कच्चा है और कोई आने जाने वाला नहीं है। एक दिन पुराने फूल, इसका मतलब यह है कि लाश को कल ही लटकाया गया है। सिर्फ फूलों से कैसे पता चल सकता है ये? और कुछ फूलों की पत्तियां लाश के कपड़ों पर भी लगी हैं सर। लाश को फूलों में छुपाया गया है। पता करो कि अरशद साहब के घर के करीब की फूलों की दुकान है ये नहीं। यस सर। यासिर, लाइटर। अरशद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। दोनों के सर पे वार करके इनको मारा गया है। तहमीना के सर के ऊपर एक से ज्यादा वार किया गया है जिसकी वजह से उसके ऊपर खून किरची किरची हो गई। सेरेब्रम डैमेज होने की वजह से उसकी मौत वाकई हो गई। लाश 23 घंटे पुरानी है सर। अरशद के सर पर पत्थर मारकर उसको बचाया गया और लटकाने से पहले उसकी मौत वाकई हो चुकी थी। उसकी लाश 25 घंटे पुरानी है। इसका मतलब है कि तहमीना से पहले अरशद को मारा गया और अरशद को घर पर नहीं कहीं और मारा गया, क्योंकि घर पर खून और तोड़ फोड़ के कोई आसार नहीं है। जी
जी सर। व्हाट? मगर क्यों सर? ओके सर। क्या हुआ सर? डीआई जी साहब कह रहे हैं कि ये केस पुलिस के हवाले कर रहे हैं। सॉरी चलो बच्चे को होश आ गया। बच्चा? सर अब हम तो इस केस को नहीं देख रहे ना। डीआईजी साहब से बात हो गई है मेरी, अभी एक ऑफिसर का तबादला होना है, उसके बाद ये केस ट्रांसफर होगा, तब तक हम लोग देख रहे हैं इस केस को। ओके सर। ब्रेकिंग न्यूज, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। डिफेंस में मुलजिम के फरार होने की फुटेज सिटी न्यूज ने हासिल कर ली है। फुटेज में देखा जा सकता है कि पुलिस ने कार सवार मुलजिम को रोका, मुलजिम को बाहर आने का कहा, इसी दौरान एक लड़की कार से उतरकर फरार हो गई। पुलिस एहलकार जैसे ही कार में बैठने लगा, मुलजिम पुलिस की बाइक गिराकर फरार होने में कामयाब। सर शहर में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। हाँ, ज्यादातर क्राइम आपसी झगड़े की वजह से होते हैं। क्या हुआ सर? I think पंचर हो गई है। इसे भी अभी होना था। सर मैं दूसरी गाड़ी मंगवाती हूँ। हेलो, हाँ फेस फाइव पर पेट्रोल पंप के पास गाड़ी गई थी अभी। कीले, ये कौन कर सकता है? सर मुझे ऐसा लग रहा है कोई हमें अस्पताल जाने से रोक रहा है। इससे भी अहम बात ये है कि कोई हमारी हर मूव पे नजर रखे हुए, और मुझे लगता है वो अभी भी आसपास है। सर ये इन्फॉर्मेशन तो सिर्फ हमारे और हमारी टीम के पास थी, इसका मतलब है हमारी टीम से कोई खबरें लीक कर रहा है। You are right, Sheila. बच्चे को होश आ चुका है, आप दोनों उससे मिल सकते हैं। ज़ुहेब, शीज़ा, स्पॉट पे पहुंचो जल्दी से। सर हो ना हो ये तीनों मर्डर ज़ुहेब ने किया। ये वही ज़ुहेब है जिसका जिक्र डायरी में। मुझे खतरा है कि कोई मुझे जान से मार देगा, इसलिए मैं थाने दरखास्त देने जा रहा हूँ। सर हमें अरशद साहब के पुराने मोहल्ले में एक दफा फिर से इन्वेस्टिगेशन कर लेनी चाहिए।